सियालकोट में पीटीआई रहनुमा उस्मान डार और कारकुनों को थाना लेसर से रिहा कर दिया गया। उस्मान डार को क्रिश्चियन कम्युनिटी ग्राउंड में जलसे पर गिरफ्तार किया गया था। पीटीआई कारकुनों ने उस्मान डार और साथियों की रिहाई पर जश्न मनाया। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे फरहान एजाज से। फरहान बताएगा, रिहा कर दिया गया उस्मान डार और कारकुनों को? बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सीनियर रहनुमा उस्मान डार, उमर डार और साहबजादा हामजादा जो कि सुबह सियालकोट में गिरफ्तार किया गया था, इन रहनुमाओं को नारोवाल चक्कर से थाना मेसर में लाया गया। इस मौके पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी। साहबजादा हामजादा जो भी पुलिस वैन में दौरान सफर जख्मी हो गए थे, उनको दवाई मुहैया करने की कोशिश की गई मगर इंतजामिया ने तफीदी हलबों के जरिए दवाई मुहैया न होने दी। उस्मान डार ने रिहाई के मौका पर कहा कि इंपोर्टेड हुकूमत मुझे ओछे हथ कंडे पर उतर आई है, इन हर्दों से हमें नहीं रोका जा सकता। आज सियालकोट में इमरान खान अपना जलसा करेगा और हम लोग जलसा में पहुंच रहे हैं। उस्मान डार ने सिविल गाड़ी में जाने की बजाय पुलिस की गाड़ी में जाना पसंद किया। उन्होंने कहा कि जिस गाड़ी में बहुत शुक्रिया फरहान एजाज आपका।